अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ उरूज पर हैं तो जो है वो आपके लिए सोचा कुछ डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आते हैं। तो आज जो है वो हमारे किचन में बन रही है दीवानी भुजिया, उसको दीवानी हंडिया भी कहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, पालक, चुकंदर, शलजम, मेथी, उसको मैंने भून के रख लिया था, सेम की फली, फूल गोभी, आलू, टमाटर और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन, जिसमें हम भूनेंगे पहले इसको हम ऑयल में। अब ऑयल के अंदर हम लहसुन डालेंगे और लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें हम अपनी सारी जो है मेथी उसको ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद हम इसमें तमाम सब्जियां शामिल करना शुरू कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सेम जो मैंने पहले से भून के रखी हुई थी। मैं यूजुअली यही करती हूँ कि मैं पहले से भून के रख लेती हूँ। आपके पास ताज़ा हो तो आप ताज़ा ऐड कीजिएगा और उसको उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से भूनिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक जो है मैंने पहले से भून के रखी हुई थी फ्रीज़ करके, आप लोग इसमें ताज़ा शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चुकंदर। चुकंदर शामिल करने के बाद गाजरें शामिल करूँगी और गाजरों को शामिल करने के बाद आखिर में मैं इसके अंदर डालूंगी शलजम। और इनको डालने के बाद जो है थोड़ा सा भूनना है उसको अच्छी तरह से। उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आलू। आलूओं को शामिल करना है और आलूओं को शामिल करके उसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, आलूओं की क्वांटिटी आपको अपनी मर्ज़ी से रखनी है। हमारे घर में आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं तो इसी वजह से जो है ना मैं ज़रा ज़्यादा आलू शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप आलूओं को कम भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कुटी मिर्च। कुटी मिर्च भी मेरे घर में ज़रा स्पाइसी खाना खाया जाता है तो मैंने ज़रा ज़्यादा कुटी मिर्चें डाली हैं। आप अपने ज़ायके के मुताबिक नमक और कुटी मिर्च शामिल कर सकते हैं। जितना आपके घर में नमक खाया जाता है, जितनी कुटी मिर्च खाई जाती है, उसी हिसाब से आपने उन दोनों को शामिल करना है। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा। उसके बाद आपको अच्छी तरह से ना इसको भूनना है। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर जो है वो उसको मैं ज़रा साइडों पे डालती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं उसको ऊपर नीचे करके ना दबा देती हूँ अच्छी तरह से। टमाटर इसमें ज़रा ज़्यादा ही डलेंगे, हाथ मतलब खोल के आपने टमाटर डालने, क्योंकि मेथी थोड़ी सी इटसेल्फ कड़वी होती है तो उसकी कड़वाहट जो है वो ज़्यादा टमाटर डालने से ही जाती है। लेकिन अगर आपको जो है वो उसकी कड़वाहट से कोई मसला नहीं है तो आप कम टमाटर भी डाल सकते हैं। मेरा मशवरा है आप टमाटर अच्छे डालेंगे तो उसका ज़ायका बहुत अच्छा आएगा। टमाटर शामिल करने के बाद सब्जियों को उसके ऊपर करना है और इस तरह चम्मच से उसको दबा देंगे के टमाटर बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, दब जाएं। तो जितनी नीचे वो बैठेंगे तो उतना ही वो अपना जूस निकालना शुरू करेंगे, यानी अपना सारा पानी छोड़ेंगे। सारा पानी छोड़ेंगे यानी वो बिल्कुल दब जाएंगे। हमें उस हद तक जो है उसका पानी जो है ना वो निकालना है कि टमाटर बिल्कुल दब जाएं और वो सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको ढक देंगे। अब ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो बारी बारी जितनी भी जो फूल गोभी जो मैंने जो है रखी हुई थी काट कर, वो ऊपर से मैं उसको डाल दूंगी और चम्मच की मदद से जो है मैं उसको अच्छी तरह से दबा दूंगी फूल गोभी, ताकि वो उसी पानी के अंदर गल जाए। फूल गोभियाँ शामिल करने के बाद उसको ढक देना है और चूल्हा तेज़ कर देना है कि टमाटर जो है अपना तमाम पानी छोड़ दें और सारी सब्जियाँ जो हैं वो गल जाएँ। उसके बाद तेज़ चूल्हे पर जो है ना उसको अच्छी तरह से भूनना है कि जितना भी जो पानी है ना सब्जियों का, टमाटर का, वो जो है सारा खुश्क हो जाए। हमें वो सारा पानी खुश्क करना है, उसको तेज़ चूल्हे पर भूनना है और चम्मच नीचे बार बार चलाते रहें कि सब्ज़ी लगे नहीं। उसके बाद जो है जब इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल। ये देख लें इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। तो हमें सिर्फ पानी खुश्क करना है और ऑयल रखना है, उसको अच्छे से भूनना है कि बस ऑयल ऊपर आ जाए और पानी ना नज़र आए। और ये हमारी जो है वो भुजिया तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है और सारी सब्जियां, अच्छी सब्जियां सर्दियों में ही आती हैं तो उसको सर्दियों में बनाने का मज़ा ही अलग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।